हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उसी सीरीज का आज का यह पार्ट 76 है, जिसमें हम फिटर टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है वीडियो को आपको पसंद आएगी और आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस असेंबली में कंपोनेंट्स के बीच इंटरचेंजेबिलिटी मिलती है। तो अगर हम असेंबली की बात करें तो यह दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है सिलेक्टिव असेंबली, एक होता है नॉन सिलेक्टिव असेंबली। तो सिलेक्टिव असेंबली यह थोड़ा सा कास्टली होती है और इनको बनाना काफ़ी हार्ड भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट्स होता है उसे एक पर्टिकुलर साइज़ में आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और जब हम नॉन सिलेक्टिव असेंबली की बात करें, इस प्रकार इसमें जो होता है आपके जो कंपोनेंट्स बनते हैं उसमें कुछ टॉलरेंस दी जाती है, तो इस प्रकार इन्हें बनाना आसान होता है। अगर हम इंटरचेंजेबिलिटी की बात करें कि किस असेंबली में मिलती है, तो ये आपकी नॉन सिलेक्टिव असेंबली में मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसको याद रखिएगा कि किस असेंबली में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस असेंबली में कंपोनेंट्स के बीच इंटरचेंजेबिलिटी दी जाती है या मिलती है, तो आप याद रखिएगा नॉन सिलेक्टिव असेंबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट फ्री टेबल टॉलरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, शून्य रेखा किसको वर्णित करती है या किसको दर्शाती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो जीरो लाइन होती है वो आपके बेसिक साइज को दर्शाती है। बेसिक साइज से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि जॉब के ऊपर, ठीक है, जो टॉलरेंस दी जाती है वो किस साइज़ के ऊपर से दी जाती है। तो याद रखिएगा जो जॉब होता है उस पर जो टॉलरेंस दी जाती है उसके बेसिक साइज को रेफरेंस मार्क करके या बेसिक साइज पर उसकी टॉलरेंस दी जाती है। और एक क्वेश्चन आपसे एक्चुअल साइज़ से पूछता है कि जॉब का एक्चुअल साइज़ क्या होता है। तो जॉब बनाने के पश्चात जो हम माप लेते हैं वह उसकी एक्चुअल साइज़ होती है, और जो टॉलरेंस दी जाती है वो आपके जॉब के बेसिक साइज़ के ऊपर दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिमिट फिट टॉलरेंस से, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। और टॉलरेंस की बात करें तो आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस और एक बाइलैटरल टॉलरेंस। तो ये भी आपको याद रखना है। यूनिलैटरल टॉलरेंस में जॉब के एक ही साइज में छूट दी जाती है, जबकि बाइलैटरल टॉलरेंस में जॉब के दोनों साइड में छूट दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, तो प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, विस्फोटक फैक्ट्रियों में किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा जहाँ पर आग लगने का खतरा हो, जैसे कि विस्फोटक फैक्ट्री हो या आपके जो ऑयल इंडस्ट्री होती हैं, वहाँ पर हम न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो है आग लगने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, इस वजह से हम न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। और न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन की बात करें तो ऐसी ड्रिल मशीन जो आपके हवा के प्रेशर से चलाई जाती हैं उन्हें हम न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक निर्माण के लिए किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हम किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। STS क्वेश्चन आपने कई सारे एग्जाम में देखे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको जो मैक्सिमम एग्जाम होते हैं वहाँ पे 60% आपको क्वेश्चन मतलब कि एकदम ऐसे ही इसी प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। तो अगर एटलीस्ट हमारी इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो डेफिनेटली ही मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी जो सीरीज चल रही है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ में शामिल सभी वीडियो को एक बार देख करके जरूर जाइएगा। उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि उस सीरीज़ में हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक ऐड किए हैं वो सभी आपके फिटर टेट के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और उसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके निमी के बुक्स, हमने उस क्वेश्चन वीडियो में हमने उसका डिस्कशन किया है। तो वह सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार उस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, फ्लूइड पावर की दो मुख्य शाखाएँ कौन सी है। तो याद रखिएगा जो फ्लूइड पावर होता है इसकी जो दो मुख्य शाखाएँ होती है वह है न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, ग्राइंडिंग व्हील के वर्गीकरण। यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील का वर्गीकरण दिया है, जैसे कि 32A, 46H, 8V, ये ग्राइंडिंग व्हील का वर्गीकरण है, ठीक है। में एक इसको दर्शाता है, तो 32 के बाद देखिए ए दिया है, तो यह ग्राइंडिंग व्हील में का जो वर्गीकरण दिया है उसमें यह ए जो है उसके ग्रेड को दर्शाता है। इसी प्रकार अगर भी की बात करें तो यह उसके बॉन्ड को दर्शाता है, भी जो है आपका विट्रीफाइड बॉन्ड का संकेत होता है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। अगर 46 की बात करें तो यह ग्राइंडिंग व्हील का जो आपका ग्रेड होता है, ठीक है, तो इससे भी संबंधित करता है आपका जो
इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट की रोटेशन की दिशा को उल्टा करने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, लीड स्क्रू आपकी लेथ मशीन में होता है और फीड शाफ्ट भी आपकी लेथ मशीन में पाई जाती है, ठीक है। तो इनके जो इनकी जो घूमने की दिशा है, अगर उसको आपको बदलना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा, उसके लिए हम टम्बलर गियर यूनिट का प्रयोग करते हैं या रिवर्स गियर ट्रेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ये भी याद रखिएगा। और टम्बलर गियर यूनिट से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं, यूनिट होते हैं। तो इसमें आपको याद रखिए कि 3 गियर होते हैं, 3 यूनिट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा कि हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे प्रकार से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हम एक क्वेश्चन के साथ में और भी क्वेश्चन कई प्रकार से क्वेश्चन रिलेट करके आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से एक वीडियो में आपको मोर देन 50 क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो जाता है। तो ये जो भी हमारी वीडियो है, जो भी हमारी इस सीरीज में, वो सभी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, लेथ की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी कि लेथ मशीन की कोई क्षमता कितनी है, इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, लेथ मशीन की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको जो है स्विंग साइज और सेंटरों के बीच की दूरी के द्वारा हम उसे वर्णित करते हैं, उसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। स्विंग साइज क्या होता है, तो लेथ मशीन के स्पेंडल पर जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम डायमीटर का जो जॉब हम बांध सकते हैं, वो उसका स्विंग साइज होता है, ठीक है। और सेंटरों के बीच तो आप जानते होंगे, एक डेड सेंटर, एक लाइव सेंटर, आपके 2 लेथ मशीन में सेंटर होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका हेड स्टॉक होता है वो आपका लाइव सेंटर होता है, जो आपका टेल स्टॉक होता है आपका डेड सेंटर होता है। और डेड सेंटर से एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछता है कि डेड सेंटर के पॉइंट का एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, लेथ का कैरिएज किस अक्ष के साथ चलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेथ का कैरिएज किस अक्ष के साथ चलता है। तो यह याद रखिएगा, जेड एक्स के अक्ष के साथ चलता है। कभी क्या होता है कि हम एक्स अक्ष करके आ जाते हैं, जबकि आपका राइट आंसर जेड एक्स है, अक्ष है। तो आप ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलती ना कीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा, जो लेथ का कैरिएज है वो आपके जेड अक्ष के साथ चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, मिलिंग मशीन में किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, मिलिंग जो मशीन होती है उसमें आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है। कटिंग टूल की बात करें तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के उदाहरण है आपका चीजल हो गया, ठीक है, और क्या है स्क्रैपर है, ये आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के उदाहरण है। और मल्टी पॉइंट की बात करें तो जैसे कि आपका रिमर हो गया, आपका रिमर हो गया और ड्रिल मशीन हो गया, आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के भी उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो मिलिंग मशीन में जो टूल प्रयोग किए जाते हैं वो आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोल्ट के एक सिरे पर वुड थ्रेड और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड होती है। तो याद रखिएगा, जो हैंगर बोल्ट होते हैं उनके एक सिरे पर वुड थ्रेड और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड बनी रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन भी हैं आज की स्पीड हमने जो ऐड किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और डेफिनेटली ही अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी जो सफलता है वो काफ़ी हद तक सुनिश्चित रहेगी, ठीक है। और ये वीडियो आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश वाले क्वेश्चन की डिमांड थी। तो स्पेशली उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, किस बोल्ट के हेड सर्कुलर रिंग होती है। तो याद रखिएगा, जो आपका आई बोल्ट होता है यह मशीन की फाउंडेशन वाले में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, या हेवी जो सॉरी जो आई बोल्ट होता है वो आपकी हेवी जो मशीनें होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, ताकि उसको हैंडलिंग करनी हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना हो तो उसे हम क्रेन में फंसा करके आसानी से हम ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके हेड के आकार की बात करें तो सर्कुलर रिंग होती हैं, यानी कि वृत्ताकार के आकार की होती हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, कन्वेयर सिस्टम। तो ये भी वेरी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर नोट करके जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आप आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, कन्वेयर सिस्टम में किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एलिवेटर बोल्ट का प्रयोग हम करते हैं कन्वेयर सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, दो मशीन पार्ट्स को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, दो मशीन पार्ट्स को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए हम डॉवेल पिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉवेल पिन से भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डॉवेल पिन है क्या या इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा, दो मशीन पार्ट्स को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए हम डॉवेल पिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, नट को ढीला होने से रोकने के लिए किस पिन का प्रयोग करते हैं? तो नट को ढीला होने से बचाने के लिए हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आजकल आपने अगर हाल फिलहाल में एग्जाम को दिया होगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नट को ढीला होने से बचाने के लिए हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और एक दो क्वेश्चन आपके हिंदी में ही है, तो उसके लिए सॉरी, मैं इंग्लिश को इनमें टाइप नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा का शॉर्टेज चल रहा है टाइम का, तो अगेन उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कोशिश करूँगा कि आपके जो सारे क्वेश्चन हैं आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएँ। तो देख लेते हैं अगले हमारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि रेफरेंस कार्यों के लिए किस स्लिप गेज का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन है आपका। तो याद रखिएगा, रेफरेंस कार्यों के लिए जो है हम डबल जीरो वाले ग्रेड का स्लिप गेज के ग्रेड का प्रयोग करते हैं। स्लिप गेज के ग्रेड की बात करें तो ये आपके चार प्रकार के होते हैं, 1, 1, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड आप इसको कह सकते हैं, 0 और 00। ठीक है, तो रेफरेंस कार्यों के लिए हम 00 वाले ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। और टूल रूम कार्यों के लिए हम सेकंड ग्रेड के स्लिप गेज का ग्रेड का प्रयोग करते हैं, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 60 नंबर, आप क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं एज ए 60 नंबर क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, डाई स्टैक में सेंटर स्क्रू है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, इसको प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। डाई स्टैक में सेंटर स्क्रू होने का क्या लाभ है? तो याद रखिएगा, जो डाई स्टैक में आपके जो सेंटर स्क्रू दिया जाता है, यह दिया जाता है आपके कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए। तो याद, इसका राइट आंसर होगा कट की गहराई को समायोजित करने के लिए डाई स्टैक के सेंटर में जो स्क्रू दिया जाता है, यह उसका लाभ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लीयरेंस किस में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है उसमें हम जो क्लीयरेंस देते हैं वो आपके डाई के ऊपर दी जाती है, ये डाई में दिया जाता है। तो आई थिंक 15, 16, 17, 18 आज की इस वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो का अपडेट है आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।